is your chapter 17 in English grammar, punctuation and use of capital letters. So, what is the definition of punctuation? When we write, we use some sign like comma, full stop and interrogative. Interrogative means with a question mark and exclamatory marks. Exclamatory marks with a sudden, uh, the, that is called sudden feeling. The proper use of these sign within एज कॉल पंक्चुएशन जी जो सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो साइन होते हैं वो पंक्चुएशन होते हैं लाइक फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मार्क ऑफ इंटरोगेसन अपोस्ट्रॉफी एंड साइन ऑफ एक्सक्लामेशन फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं हम लोग जब द सेंटेंस इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस लाइक कांति विल सिंग अ सॉन्ग कांति एक गाना गाएगी कुछ भी डिक्लेरेटिव होता है असर्टिव होता है जो हम आ, आ, सिंपल सी कोई आ, बात कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस कॉमा कहाँ यूज़ होता है कॉमा इज़ यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन जब आपका मोर देन वन वर्ड हो मोर देन वन क्वालिटीज़ हो ओके लाइक शी इज़ इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग तो देखो कितने एडजेक्टिव्स हैं इंटेलिजेंट ऑनेस्ट तो इसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया जब आपके मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर ज्वाइंट लाइक रिच एंड पुअर यंग एंड ओल्ड विल डाई वन डे तो मोर देन वन वर्ड है ना इसलिए हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया इन्वर्टेड कॉमा जो है इसका साइन ऐसा होता है सी दिस साइन तो बिगनिंग इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जब कोई बात uh, कोई uh, बात बोली जाती है लाइक शांति सेट टू मी शांति ने मुझसे कहा क्या कहा यू आर अ गुड प्लेयर तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच में जो ये बात बोली गई है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लगाकर स्पेसिफाई करते हैं ओके okay? नेक्स्ट है आपका मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन इंटरोगेशन मीन्स होता है क्वेश्चन मार्क लाइक मार्क ऑफ इंटरोगेशन इज ऑलवेज यूज आफ्टर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है डब्ल्यू एच वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से भी आ, स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस उनको भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं और इसके लास्ट में जो है एंड में जो है एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क नाउ नेक्स्ट इज अपोज ट्रॉफी सी अपोस ट्रॉफी इज यूज फॉर पजेसिव केस ऑफ नाउन जैसे रवि इज बुक रवि की बुक तो ये इस पे बुक पे किसका पजेशन है किसका ओनरशिप है रवि का तो दिस इज़ कॉल्ड अपोजट्रॉफी एस और इनके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं लाइक आई अपोस्ट लगा दे वी इट मीन्स आई हैव इट्स इट इज वॉन्ट विल नॉट कांट कैन नॉट नाउ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन साइन होता है सडन फीलिंग uh, वो फीलिंग जो है हैप्पीनेस भी हो सकती है और सैडनेस की भी हो सकती है ओके नाउ अलास शी इज डेड अलास ये सैडनेस की फीलिंग है तो एक्सक्लामेशन का साइन देखिए कैसा होता है एक लाइन खींच के नीचे डॉट लगा देते हैं ओके नाउ हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज नाउ दिस इज द चैप्टर आई होप यू आर आर अंडरस्टूड थैंक यू